इंटरेस्ट नहीं मिला तो अब कपड़ा ये पहन के आएंगे, ड्रेस तो मिला ही नहीं है। तो उस समय क्या ठीक लगेगा कि आधा बच्चे ड्रेस पहन के आएंगे आधा बगैर ड्रेस के आएंगे? मैम मिला ही नहीं ड्रेस तो क्या करें, पहन के आना ही पड़ेगा। ड्रेस मिला दुपट्टा नहीं मिला तो इसमें क्या कहना है कि मैच नहीं कर रहा? नहीं नहीं मैच कर रहा। तो ये दुपट्टा आपने से लिया? नहीं मैम वो पुराना वाला है। तो इस साल क्यों नहीं आया? पता नहीं मैम बोली नहीं आया, जब आएगा तो तब देंगे। तो पूरे बच्चे बिना दुपट्टा के? वही पुराना वाला दुपट्टा लिया। लड़कियों को सबको मिल गया है, लड़कों को भी किसी को नहीं। तो लड़कों को लाने क्या कहा गया? अभी कुछ नहीं कहा। ड्रेस तो मिल गया है, का कहा था तीन ठो रंग का नहीं मिला, दो बच्चे भर को मिल गया है, तीन ठो बच्चा ही उनको अभी मिला है। तो हाँ तो मिलना चाहिए दीदी, बताइए हम लोग गरीब आदमी हैं, ड्रेस तो मिलना चाहिए, हम लोग कहाँ से बनवाए पाए, इतने गरीब आदमी हैं। तो ड्रेस के लाने सिर्फ बीपीएल को लड़कियों को दिया गया कि सभी? नहीं, ड्रेस में होता क्या था कि लड़कियों में कोई कैटेगरी नहीं, लड़कियां सभी लड़कियों को दिया जाता था, और एससी बीपीएल में कैटेगरी हो जाती थी, जनरल को आती थी, अभी इस साल नहीं आई है लेकिन आती थी। तो अब इस साल जो हमको बताया गया कैटेगरी वहां से आदेश की लड़कियां सभी जाती, तो लड़कियों को टोटल 79 लड़कियां हमारी मई में था एडमिशन, तो 79 लड़कियों का आया और 31 एससी लड़कों का और 20 बीपीएल का। नियम शासन की तरफ से 400 रुपया प्रति छात्र दिया जाता है, यानी पहले नियम यह है कि नॉन बीपीएल और बीपीएल के छात्रों को दिया जाता है, इसके बाद शासन बजट भेजता है तो अन्य छात्रों को दिया जाता है।